पराजय करने के लिए विनोद जी गरज स्ट्राइक के ऊपर दायनात की है जोड़ी मैदान के अंदर कुलदेव जोहा की और पहला मैंडेटरी पावर पे चार खिलाड़ी ऑफ साइड के ऊपर, तीन खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर, दो खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद फुल टॉस से दिशा दी डी बैकर्स कैरले के ऊपर, शानदार चौवे के साथ गेंदबाज का स्वागत किया डीजे मास्टर। बिल्कुल, तो इसी बीच इस बाउंड्री के बदलत खाता ओपन किया है यहाँ विनोद गरत ने और इस बाउंड्री के बदलत कुलदेव जोहा टीम का खाता ओपन स्कोर चार के घर में। एक फाइव स्लिप है, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर ऑफसाइड के ऊपर, ऑनसाइड के ऊपर एक लेग स्लिप है, शॉर्ट मिड विकेट है और मिड ऑन है दूसरी गेंद। और इस बार इनसाइड आउट शॉट गैप में गेंद चली गई है और टप्पे के साथ इस बार देखा जाए दंदना दवा ये शानदार चौवा ठोकम ठोक। बिल्कुल, गांव गांव में एक ही नाम सभी के जुबान के ऊपर है, वो आदरणीय एक बेहतरीन शख्सियत वैकुंठ सेठ पाटिल साहब यहाँ मौजूद है। हम जो कमेंट्री कर रहे हैं उससे पहले अगर वक्तृत्व की भाषा अगर किसी के पास है वो सम्माननीय वैकुंठ सेठ पाटिल साहब, वो हमारे सीनियर है। इस बार ऑन साइड के ऊपर खेल दिया मिड विकेट के ऊपर, फील्डर मौजूद नहीं है या बांध टूट गया है, पानी के जगह या चौके बरस रहे, बेहतरीन। कढ़ाई में जब तेल गर्म होता है तो वड़ा छोड़ने को मजा आता है। और पहले ओवर में मारधाड़ मजबूती की करो, पहले ओवर में देखा जाए तो यह आरंभिक गेंदबाज आदेश मात्रे जिनकी पिटाई मजबूती के साथ की है, बल्लेबाज जो यहां देखा जाए तो मेरे हिसाब से विनोद गरत ने तीन चौवों के साथ कुलदेव जोहा टीम का स्कोर पहुंचा है 12 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। परिवर्तन करना पड़ेगा गेंदबाजी में, मैंडेटरी पावर प्ले, दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, बाकी खिलाड़ी अंदर है और पावर प्ले का फायदा उठाने में यह बल्लेबाज दायात के बल्लेबाज सक्षम साबित हो रहे। नेक्स्ट बॉल आई, एक मीरा खारसा बोली टीम पहले गेंदबाजी कर रही टॉस जीतने के बाद और इस बार ये गेंद देगी, लेकिन विकेट के ऊपर चकमा देकर गेंद चली गई है सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, बाई का इशारा। बाबा का एक वाक्य मुझे आज भी याद आया है कि तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई ले नहीं सकता, अगर उसकी रहमत है तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा नहीं हो सकता। और साईं बाबा का एक मंत्र है श्रद्धा और सबूरी, लेकिन याद है कि सबूरी से बल्लेबाजी नहीं चल रही है या चीड़ फाड़ हो रही मैदान के ऊपर। चौथा चौवा स्कोर पहुंचा है 16 के घर में, यह उड़ाया टॉपेज लगा हुआ है, कैच की संभावना, विकेट कीपर ने जज किया था लेकिन नो मैन्स लैंड में गेंद गिर चुकी, जीवन दान मिला इस बल्लेबाज को। ये रन होने वाली थी लेकिन इस बार देखा गया तैयार नहीं थी इस रन लेने के लिए सलामी बल्लेबाज विनोद जी गरत। एक सिंगल के साथ आप देख सकते तो कुलदेव जोहा टीम का स्कोर पहुंचा है 17 के घर में। कुलदेव जोहा के जो मालिक है प्रतीक जी मोकल यानी के गोटिया और यहां देखा जाए तो आई एकवीरा खारसा पुलिस टीम के मालिक है अक्षय जी मात्रे, इस खारसा पुलिस से बिलोंग करते हैं। आखिरी मेरे हिसाब से यहां एक गेंद शेष, अंतिम गेंद शेष, कैप्टन सामना करेंगे इस मैंडेटरी पहले पावर प्ले के आखिरी गेंद का, दूसरी गेंद आखिरी गेंद। लोरफुल टॉस गेंद ड्राइव देखने को मिल चुका है, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर बढ़िया फील्डिंग का मुजहरा पेश किया, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद कुलदेव जोहा टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 17 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। पहला मैंडेटरी पावर प्ले
खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक 24 गेंदों का खेल शेष है। खूबसूरत ये हमारा हमरावर फाटा का मैदान, इस मैदान के लिए काफी मेहनत लिया हमारे आयोजककर्ताओं ने, और ये पूरी तरह से देखा जाए मेरे आंखों के सामने ये रंगमंच सज गया है। क्या ये इस मैदान के ऊपर खेलने का तजुर्बा है? छोटा मैदान है लेकिन पटाखे जोर से बरस रहे, लेकिन पहले ओवर में छक्के नहीं आए, पहले ओवर में चौवे आए, और यहां देखा जाए तो इस बार इस ओवर में हमला ही हमला हो चुका है। स्कोर 17। सेकंड बॉलर गेंदबाजी करने के लिए साहिल मात्रे, हनुमानपाड़ा से बिलोंग करते शैले चौहान सर और संतोष चौधरी सर इस बार मैच के अंपायर की ड्यूटी निभाते हुए इस अमरावती बाग प्रीमियर लीग के लिए उनका हार्दिक स्वागत है। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है, तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है अमरापुर विभाग प्रीमियर लीग का दूसरा दिन। साहिल मात्रे स्ट्राइक के ऊपर विनोद गरज जो व्यक्तिगत याद देखा जाए मेरे हिसाब से 13 रन पे गिर रहे। फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन कवर को चीरती हुई गेंद चली गई डीप कवर बाउंड लाइन के बाहर, शानदार चौका आया है न चंद्रमुखी न पारू जो है उसी के ऊपर ही चौका मारो। शानदार कवर ड्राइव देखने को मिल चुका है, रायगढ़ भूमि ये क्रिकेट की पंडरी। सेकंड बॉल साहिल मात्रे आदिशा दिया था लेकिन जहा शॉट थर्ड मैन खिलाड़ी दायरे के अंदर थे, खतरा जरूर था मगर यहां कैप्टन ने देखा सुनील पाटिल ने कोई रन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि जोखिम भरा रन होने वाला था, और ऐसे हालत में इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, टीम का स्कोर 21 बगैर नुकसान पे। कैमरा मैन के कान के अंदर क्या गया है विनायक जी हमारे बालू, ऐसा या कैमरा और क्लोज करने के बाद आप यहां देख चुके हैं। नेक्स्ट बॉल दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले, तीन खिलाड़ी बाउंड लाइन पे तैनात कर दिया है, राइट अमोर द विकेट, इस बार बैक पर जाकर शानदार तरीके से इस बार देखा जाए स्पेयर कट कर दिया है, गेंदबाज को पीछे हट कर दिया है, अब देखा जाए तो इस बार देखा जाए मैदान के ऊपर चौके और चौके ही बरस रहे। हाँ अब तक यहां देखा जाए तो विनोद गरत के बल्ले से 5 चौवे आ चुके हैं, सापोली वाले जैसे गेंदबाज को इस्तेमाल कर रहे, कैप्टन बैकफुट पर जा रहे, गेंदबाज की पिटाई हो रही, ऐसी शानदार बल्लेबाजी चल रही है, घास रहा है क्योंकि जा ठोकम ठोक हो रही है वहां बताना बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बॉल विनोद के लिए, उसको ऐसी गेंद आएगा, 9 बॉल तो मिल चुका है लेकिन गई ना गेंद, हवाई यात्रा में बिना टिकट निकल के बिना पासपोर्ट निकल के टाटा बाय बाय और अगली गेंद फ्रीट। और ये बीमर है, अगली गेंद फ्री हिट की है, बल्लेबाज के पास लाइसेंस है, उन्हें लॉटरी लग गई है, वो आजाद है इस गेंद के ऊपर खेलने के लिए, लेकिन साहिल मात्रे की भी पिटाई हो चुकी है, फ्री हिट है। और ये मंच के ऊपर हमारे सभी अतिथि मौजूद है, अतिथि देव भव, ये भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श है, राज कपूर साहब जी ने बताया है महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मार खाएगा तू, यहां से बता रहा हूं ऐसी डिलीवरी पीछे रखे हुक किया ना रोहित शर्मा की याद दिलाई, अब पछताए होता क्या गेंद तारामंडल में। जो हमारे पुलिस है विनेश, इनके तरफ से इस बल्लेबाज के लिए 100 रुपए का इनाम आया है, वो बल्लेबाजी क्या बैटिंग की है, मैदान के अंदर भूचाल आया है और ये आंधी ऐसी बरसी रही है और गेंदबाज के हौसले लस्त
पस्त कर चुके हैं और गेंदबाज की ये डिमांड है ना वो बैकफुट पर गई है। और देखिए गेंदबाज देखिए कमर के ऊपर हाथ, ये कह रहा है कि मेरे साथ क्या चल रहा है, खिलवाड़ ठोकम ठोक, परिवर्तन करो भाई साहब। और छक्के के साथ कुलदेवत जोहार टीम का स्कोर 38 के घर में। दूसरे मैंडेटरी पावर प्ले के गेंदबाज की भी पिटाई की है, स्क्रीन के ऊपर देखिए हमारे सभी दिग्गज मेहमान, हमारे वैकुंठ सेठ पाटिल साहब और उनके सभी साथीदार। और ऑन साइड के ऊपर घूम के इस शॉट को खेल दिया, डीप बैकवर्ड स्कोर के ऊपर वन टप्पे के साथ गेंद चली गई है सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए। और स्कोर बोर्ड मुंबई के काले पीने के टैक्सी की तरह तेज चल रहा है। धन्यवाद जे आमचे चेंडू शोधत आहे त्यांना विनंती असेल आपण उजव्या साइडला अजून बघा, यस डाव्या साइडला बघा, कदाचित त्यांना चेंडू मिळणं थोडं कठीण जाईल पण ते प्रयत्न करतात। धन्यवाद। तो इस चार रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 42 के घर में। 37 पे विनोद गरत की तूफानी पारी, बैकफुट पर जाकर पंच किया है और शानदार तरीके से दूसरे टप्पे के साथ और तीसरे टप्पे के साथ गेंद चली गई। हर्षद पितले इनके कटआउट को सलामी देने के लिए शानदार चौका। धन्यवाद धन्यवाद। तो हम फ्रॉग इंटरप्राइजेस के कैप्टन सूरज पाटिल को विनती करते हैं कि आप जो फाइन लेक और स्क्वेयर लेक का क्षेत्र है, जो वहां हमारा तंबू है, वहां जाकर बैठी है, अगर गेंद जा सकती है तुम भी सदस्य थोड़ी मेहनत करेंगे, जाओ उधर ये साइड पे आइए, इधर शॉर्ट फाइन लेक और शॉर्ट स्क्वेयर लेक का क्षेत्र वहां आइए। जरूर सूरज प्लीज, अपन त्या रीजन मध्ये जायचे आपले सर्व खेळाडूंना घेऊन प्लीज। क्या कूट कूट के बल्लेबाजी हो चुकी, इस ओवर में रन आ चुके 29। मुझे याद आ गए 1996 के वर्ल्ड कप की जहां अजय जडेजा जी ने वकार यूनिस की ऐसी धुलाई की थी, वैसी धुलाई सेकंड बॉलर यहां साहिल मात्रे की। पहले ओवर में रन बने थे 17, इस ओवर में 29, इसने बहुत मार खाया। और विनोद घरत 41 पे खेल रहे, ये आंधी मैदान के ऊपर आई है, ताम्रशत के सुपुत्र देखिए। तो बिल्कुल भाया, जो हमारे उनके भाई चंक्या या इस दुनिया में नहीं है, उनके वो भाई है, हमारे पहले जोहा गांव में रहते थे जब वो बहुत छोटे थे। 46 नेक्स्ट बॉलर विशाल भात्रे, और क्लीन बॉल, कैप्टन कुछ करिश्मा नहीं, क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास किया, दंडा अस्त व्यस्त हो चुका है। सुनील पाटिल चले बैक टू डगआउट, मेरे हिसाब से उन्होंने योगदान दिया है कुछ नहीं। और कैप्टन चले इस बार देखा जाए बदक का अंडा लेके वापस। या ठिकाणी विकास मात्रे सोनखारचे लाइव टेलिकास्ट पाहतात, त्यांच्याकडून देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्यात, सो थँक यू विकास मात्रे जे सध्या मुंबई येथे आहेत आणि तिकडून लाइव टेलिकास्ट मॅच पाहतात, त्यांचे देखील धन्यवाद असेल। धन्यवाद, उन लोगों का धन्यवाद ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि वो कीमती समय निकाल कर फोन लगा रहे और कह रहे हमारी शुभेच्छा दो। मुझे भी बहुत परेशान करते, ट्रॉम में गया था, एक ने कह दिया हम 50 लोग मैच देख रहे, शुभेच्छा दो, क्या शुभेच्छा देंगे। लेकिन आप इस बार ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मत हिलाओ, मैच को देखते रहिए और सुनते रहिए। स्कोर 46-46 के घर में। नए बल्लेबाज आए हैं ऋषिकेश पाटिल, इस बार थोड़ी टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने उछाल जरूर लिया है और उछाल भरी है गेंद थी, इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। टीम का स्कोर 46, लॉस ऑफ 1 विकेट के नुकसान पे। तो इस बार कैप्टन अंपायर सूचना दे रही इस गेंदबाज को, अगली बाउंसर मतलब उछाल वाली गेंद मारते समय सावधानी। विशाल भात्रे, और इस बार हवा में स्लैश किया है, कैच के समय डॉक्टर पीछे दौड़ रहा गेंद के पीछे, लेकिन दो रन इकट्ठा करेंगे बल्लेबाज या ऋषिकेश पाटिल। और दो रनों के साथ देखा जाए तो कुलदेवत जो हर टीम का स्कोर है 48-48 एक विकेट के नुकसान पे। विनोद भगत विनोद घरत खेल रहे 41 पे।
तीसरा वोर चल रहा है, सुंदर जानदार तड़पदार 24 कैरेट का यह असली हजर हरी मामा भी यहाँ मौजूद है मैच देखने के लिए। और सुरेश काका जिन्होंने पहली बार मुझे 25 रुपए दिए थे आज भी मुझे याद है, उनका दोनों का हार्दिक स्वागत। ऑन साइड के ऊपर इस बार फ्लिक किया है लेकिन फील्डर थोड़े फंबल हुए, एक सिंगल जरूर मिलेगा, एक सिंगल के साथ आप देख सकते हैं या कुल दैवत जोहर टीम का स्कोर 49-50 बनाने के लिए जोहर टीम को चाहिए एक रन। लेकिन इस ओवर में विशाल मात्री ने सुंदर गेंदबाजी की है, विशाल ने जाना देखा परका कि मुझे अच्छा ओवर फेंकना है क्योंकि हमारे सेकंड बॉलर ने बहुत मार खाया है और वापसी भरी गेंदबाजी नेक्स्ट डिलीवरी। इस बार गेंद को देखा नहीं और गेंद से उन्होंने खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया। क्रिकेट में फुटवर्क और मोबाइल में नेटवर्क ये नहीं हो सकता है तो वहां मजा नहीं है। इस बार पानी की मांग हुई है, अगले इस ओवर के बाद आ जाएगा लेकिन टीम का स्कोर 49 और आखिरी गेंद शेष 50 बनाने के लिए एक रन चाहिए कुलदेव जोहर टीम को। इस बार डिफेंस शॉट खेला है लेकिन रन आउट का मौका, मारो भाई साहब, अरे मारना ही चाहिए भाई साहब, ऐसा नहीं है, दिमाग का यह खेल है। और इस बार एक रन इकट्ठा किया और इसी के साथ कुलदेव जोहर टीम का स्कोर 50 यानी कि 50 पूरी हो चुकी है 1 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर के बाद। पानी की मांग मैदान के अंदर, आप देखते रहिए सुनते रहिए, देखो ये जरूर आउट होने वाला था। यस थैंक यू अमित सर, अतिथि देव भव आलेल्या पाहुण्यांचं स्वागत सत्कार करणं ही भारतीय संस्कृती आहे आणि या संस्कृतीचं जतन देखील या स्पर्धेत केलं जाईल। या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक, या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा, खरं तर ही स्पर्धा यशस्वी करण्यामागे ज्यांचा सिंहाचा वाटा आहे असे सर्वांचेच लाडके आदरणीय श्री वैकुंठ शेठ पाटील साहेबांचा या ठिकाणी सत्कार केला जाईल। मी विनंती करतोय हमरापूर विभाग प्रीमियर लीगचे अध्यक्ष प्रवीण पाटील यांना की आपण त्यांचं स्वागत करायचं आहे। हमरापूर विभाग प्रीमियर लीग साठी सर्व आयोजकांनी जी काही मेहनत घेतलेली आहे ती मेहनत फार आली आहे। खरं म्हटलं तर ग्राउंड पण अत्यंत सुंदर झालं आहे, या ग्राउंडवरच्या मॅचेस बघितल्या तर हे ग्राउंड विकेट आणि जे काय बघतो आहे जसं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या मॅचेस खेळल्या जातात त्या पद्धतीने या ठिकाणी ग्राउंड आणि विकेट झाली आहे आणि आपल्या भागामध्ये अशा प्रकारचे खेळ वाढायला पाहिजे, आपल्या इथले खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाऊन त्या ठिकाणी आपली झळक दाखवायला पाहिजे, त्या हेतूने त्यांना एक व्यासपीठ द्यायचं काम या ठिकाणी हमरापूर प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून या सर्व आयोजकांनी सर्व कमिटी मेंबरनी व माझ्यासारख्या छोट्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे। या प्रयत्नातूनच भविष्यातले सचिन तेंडुलकर, भविष्यातले विराट कोहली आपल्या भागातून तयार व्हावेत एवढीच या ठिकाणी सदिच्छा व्यक्त करतो। सर्वांनी सामने अत्यंत चुरशीचे होत आहेत आणि सामने पाहायला सुद्धा खूप मजा येत आहे, यूट्यूब लाईव्हनी सुद्धा चांगल्या प्रकारचं काम या ठिकाणी केलेलं आहे की आमच्या भागाला पूर्णपणे महाराष्ट्राच्या देशाच्या पटलावर नेण्याचं काम केलं आहे, त्याबद्दल त्यांचंसुद्धा या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो। त्याचबरोबर सर्व आयोजकांनी सुंदररित्या केलेलं आहे, आमचे प्रवीण पाटले आहेत, मनोज पाटले आहेत, त्या ठिकाणी वैभव ठाकूर आहेत, परमेश आहेत, त्या ठिकाणी नाईक आहेत, त्याचबरोबर बंटी आहेत, त्याबरोबर सर्व मंडळी या ठिकाणी तुम्ही जी काय मेहनत केलीत ती मेहनत फळालेली आहे। असेच कार्यक्रम भविष्यामध्ये आपण घ्यायचे आहेत आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्या भागाचं नाव एक चांगल्या नावारूपाला आणायचं आहे एवढीच या ठिकाणी इच्छा व्यक्त करतो। जय जय महाराष्ट्र। धन्यवाद वैकुंठ शेठ पाटील साहब, और इस बार रन लेने के चक्कर में गए थे लेकिन इस प्रकार एक सिंगल जरूर मिलेगा और इस सिंगल के साथ आप देख सकते हैं तो कुल दैवत जोहर टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 51 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे। विनोद भगत खेल रहे 41 रन पे जिन्होंने 12 गेंदों का सामना किया है, ऋषिकेश पाटिल खेल रहे 5 रन पे जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया है। इस प्रकार देखा जाए जो चौथे गेंदबाज है स्वीकार मात्रे, जिनकी पहली गेंद खत्म हो गई है, दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार टॉप एज लगा हुआ है हवा में,
कॉट एंड बॉल का मौका। और इसी के साथ देखा जाए तो यहां बल्लेबाज ऋषिकेश पाटिल बैक टू द डगआउट। टीम का स्कोर 51 दो विकेट के नुकसान पे। कुल देवत जोहर टीम डीजे। हाँ बिल्कुल, वैकुंठ शेठ पाटिल साहब जी ने अभी प्रस्तावना दी है कि इस विभाग के अंदर से मुझे विराट कोहली देखना है, इस विभाग के अंदर से मुझे तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी देखना है। ये देखने के लिए आपके पीछे वैकुंठ शेठ साहब इनका बड़ा पाठिंबा है, बड़ा योगदान है, लेकिन उसके लिए आपकी मेहनत भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान में रखिए। अगर मेहनत आप करेंगे तो आगे जरूर जाएंगे, अगर मेहनत आपकी कमजोर पड़ेगी तो समझ जाए आप यहाँ ही रहेंगे। और आगे जाने के लिए ऐसे हमारे धुरंधर नेता हमारे पीछे, तो जरूर क्रिकेट के लिए शानदार योगदान दीजिए और क्रिकेट का नाम, इस विभाग का नाम आगे लेके जाइए। लेकिन एक बार फिर से नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं, विक्रांत बेहले जो पहली दफा गेंद को खेलेंगे। शानदार जानदार आयोजन नियोजन, पहले इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच किया, एक रन जरूर मिलेगा। जहां शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर गेंद को फील्ड किया डीप मिड विकेट फील्डर ने, मगर एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है इस बार 52 के घर में 52। इस ओवर की अभी तक 3 गेंदे शेष है। 42 पे विनोद भगत खेल रहे, विनोद घरत खेल रहे माफ कीजिए। तो इस बीच ये वाइड गेंद ऑफ टर्म के ज्यादा बार गेंद चली गई, अंपायर शैलेश चौहान सर जी ने अपने दोनों पंख खुले कर दिया, इशारा दिया कि ये गेंद खराब है। तो अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 53। हमारे परशुराम कोहली अर्थात परशुदा भी मौजूद है और उनके साथ सभी कोहली बांधवों का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। नेक्स्ट बॉल जोरदार पार और गेंद बाउंड्री के बाहर, मुझे अंदाजा था गेंद चली गई है तारा मंडल के अंदर, आ गया 6 रनों का बंडल ठोक। और देखिए विनोद गरत की सुसाट बल्लेबाजी, तूफान मैदान के अंदर आया है। 48-50 चाहिए बनाने के लिए, 50 बनाने के लिए विनोद गरत को चाहिए 2 रन। और कुलदेव जोहर टीम का स्कोर है 50 बनाने के लिए 1 रन चाहिए। और जोरदार हिट, और इसी के साथ देखा जाए एक तो इकट्ठा किया लेकिन दूसरे के लिए पलटने जा रहे थे। और इसी के साथ विनोद घरत की 50 पूरी हो चुकी है, 50 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। बल्ला ऊपर कीजिए, अभिनंदन कर रहे सभी उनके खिलाड़ी, देखिए। और इस बार दर्शकों को भी उन्होंने बल्ला दिखाया कि मेरे बल्ले से ये 50 रन इकट्ठा हो चुके हैं। इस अमरावती विभाग की मेरे हिसाब से यहाँ ये 34 50 होगी, 34 50 पूरी करने वाला बल्लेबाज है कुलदेवत जोहा के बल्लेबाज का नाम है, सलामी बल्लेबाज की तूफानी सलामी पारी मिस्टर विनोद गरत के 50 रन पूरे बोर्ड के ऊपर, 15 गेंदों का सामना। किया उन्होंने, तो आखिरी ओवर फेंकने के लिए कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे हैं विशाल मात्रे, जिन्होंने एक और शानदार फेंका। इस बार देखा जाए यहाँ आई एकवीरा खारसा पुली टीम के लिए, लेकिन ये ओवर डेथ ओवर है, ये स्लॉट ओवर है। जोरदार प्रहार करने गए थे लेकिन बैक टू द बॉलर गेंद आई है, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा, गेंदबाज या फिसल गए थे। और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 61 के घर में। हरिमा और सुरेश पाटिल क्रिकेट के परम भक्त देखिए आराम के साथ अपना कीमती समय निकाल कर इस अमरापुर प्रीमियर लीग को देखने के लिए आए हुए, दोनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आखिरी 5 गेंदे शेष, विक्रांत वेहले स्ट्राइक के ऊपर, और बाहर गेंद जरूर थी लेकिन इसे खींचा हुआ शॉट है। और यहां स्टंपिंग और दूसरे के लिए पलट गए थे, लेकिन बल्ला इस बार देखा जाए विनोद गरत के हाथ से छूट गया है, लेकिन एक तो सिंगल जरूर, ज्यादा बाहर गेंद थी, कोई छेड़खानी करने का प्रयास करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बैट्समैन को लगा कि इस गेंद को मैं कवर के ऊपर से खेलूंगा, लेकिन इस बार मिले इस गेंद के ऊपर एक सिंगल और टीम का स्कोर 62 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। कुलदेवत जोहर टीम का स्कोर।
हमरापुर विभाग प्रीमियर लीग का ये काफी खूबसूरत जानदार शानदार 24 कैरेट का असली आयोजन नियोजन को आप सभी लोग देख रहे, और ये हमारा रंगमंच, ये हमारा मंच निखर गया है। अतिथि देव भव, ये भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श है। और राज कपूर साहब जी ने एक बात कही थी कि महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, और भगवान जो हमारे लिए, जो मेहमान जो हमारे लिए होते वो भगवान के समान होते। जरूर या ठिकाणी आई एकवीरा टीम साठी शुभेच्छा आल्यात, ओमकार घरत याच्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्यात, हेअर फिक्स सलून चे हे ओनर आहेत त्यांच्याकडून आई एकवीरा टीम साठी खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्यात। बिल्कुल, वो शुभेच्छा वालों से कुछ ले जरा। हर टाइम कई बार मैचेस होते हैं तो वो मैच देखने से पहले एक काम करते कि हमारी शुभेच्छा दो, यहां से कॉन्सेंट्रेशन भी हिल जाता है, लेकिन क्या करे, वो कोई ना कोई किसी के दोस्त होते और परमेश के दोस्त ज्यादा होते हैं, क्योंकि परमेश को ही वो आदत ज्यादा है। स्कोर पहुंचा है 62 के घर में, आखिरी चार गेंदे शेष, सलामी बल्लेबाज विनोद गर्ग स्ट्राइक के ऊपर, शॉर्ट गेंद के ऊपर शानदार तरीके से पुल कर दिया हवा में, मिड विकेट खिलाड़ी आए गेंद को पकड़ने के लिए, लेकिन इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया, थोड़ी थक गए हुए और तीसरे के लिए पलट गए खराब इस बार थ्रो, तीन रन निकट गेंद बाउंड्री के नजदीक पहुंच गए, अंत में सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए जा चुकी है, और इस ओवर थ्रो के बदल टेबल देगा स्कोर 6 आया है। देखिए क्या हुआ है, टेंशन में आए होगी इस बार आई एक मेरा खारसा बोली टीम, क्षेत्र रक्षण खराब और उसके बाद थ्रो भी खराब, और बैकअप करने के लिए खिलाड़ी था, उस खिलाड़ी को चकमा देकर गेंद बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए अंपायर ने कह दिया कि ये 6 रन आए, और 6 के बदलत कुलदैवत जोहर टीम का स्कोर 68-68। आखिरी तीन गेंदे शेष, क्या बैटिंग की आ रही है पट्टे ने, सचमुच ये तुरुप का एक्का मैदान के अंदर है, और अच्छी तरह से सुंदर मनमोहित बल्लेबाजी चल रही है, और बैकफुट पर जाकर पंच जरूर किया है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद को फील्ड किया, जब तक एक सिंगल मिलेगा और ये रन आउट का मौका, लेकिन एक सिंगल के साथ कुलदेवत जोहर टीम का स्कोर 69-69, धाव संख्या कुलदेवत जोहर संघाची 69, दोन घड़ी बाद 69। आखिरी गेंद, आखिरी दो गेंदे शेष, सामने है विक्रांत वेहले, वेहले क्या स्ट्रोक लगाएंगे जोरदार, वेहले ने उठाया और पिच गेंद को हवा में लॉप किया है, लेकिन फील्डर मौजूद नहीं, नो मैन्स लैंड में गेंद गिर चुकी है, दो रन इकट्ठा किया, तीसरे के लिए पलट गए, और इसी के साथ यह बल्लेबाज मेरे हिसाब से विनोद गरत को ये अब लगभग देखा जाए, अब ये मैदान छोड़ के जाना पड़ेगा, तीसरा रन आत्मघाती साबित हुआ, और दो रनों के साथ देखा जाए तो टीम का स्कोर पहुंचा है 71-71, लॉस ऑफ 3 विकेट के नुकसान पे एक